अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लव नोट और फूल भी। अगला क्लू मिलेगा वहां, तुम्हारी फेवरेट चीज है जहां। सुमन की चादर पर चली आओ सुमन, वहीं मिलेंगे तुम्हें अपने सजन। बनाई थी जहां यादें हजार, वहीं एक बार कर रहा हूं इंतजार। एक बार फिर मेरी बार होगी प्लीज। अंशुमन, तुम्हारी सारी खुशियों को दर्द भरे गम में ना बदल दिया ना, तो मेरा नाम भी संध्या नहीं। अरे चमिया, अरे रुकना, अरे क्या लग रही है? तू जानता है मैं कौन हूँ? जानता है? नहीं जानता तो ये चेहरा ध्यान से देख ले और 7 जन्मों तक याद कर ले। मैं माया की बहन हूँ। क्या मैडम? मैडम मुझे नहीं पता था माया भाई की बहन है। मैडम मैडम मैं आपकी बैर सीधा हूँ। मैडम मैं आज के बाद यहाँ पे कभी नजर नहीं आऊंगा। मैडम याद रखना ये बात। हाँ मैडम बिल्कुल।
कटीला नाचती रे तू, माँ कसम मेरे साथ चल, तुझे रानी बना के रखूंगा मेरी जान। सितारों की रोशनी समझकर उसे छूने की जिद करोगे ना तो यही होगा, समझे? माया की हर लड़की सितारा है, सितारा है। दूर से देखकर जी बहलाओ, हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो हाथ चल जाएगा। अरे भैंस की आइज लेके आओ उसे। आईज, अरे पहले ही बन जाता तो ना हमारा गला दबता ना हमारा चेहरा खींचता। जानता है माया का समय बहुत कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती, क्योंकि सोना तो बिक जाता है ना, माया का समय नहीं बिकता। और माया के समय से ज्यादा कुछ कीमती है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन, समझे? दीदी संध्या, संध्या तू आ गई, मुझे पता दो आंटी। संध्या तू रो क्यों रही है, तू रो क्यों रही है? किसकी हिम्मत जिसने माया की बहन को रुलाया, कौन है बताओ? वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा ना, माया उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुबह सुबह ऐसा सपना क्यों आया जो हो चुका है? ये मोतियों का हार मेरी सुमन पर और भी खूबसूरत लगेगा। अंशुमन जी, सुमन, सुमन क्या हुआ? सुमन तुम ठीक तो हो? हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा अंशुमन जी, हमें बहुत डर लग रहा है, पर
सारी मुश्किलों के बाद हम एक हुए हैं, साथ हैं, अब हम आपसे जुदा नहीं हो पाएंगे। डोंट वरी, अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। ऊपर वाले को हमारे प्यार के जितने इम्तिहान लेने थे उसने ले लिए। अब तो उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि हम दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। So trust me, अब आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब ये रोना बंद करो और मेरी दुल्हन बनने की तैयारी करो, क्योंकि इस दूल्हे से इस दुल्हन को अपना बनाने का इंतजार अब और नहीं होता। अंशुमान जी, माँ आया। Go get ready. हे कान्हा जी, हमारे रिश्ते की रक्षा कीजिएगा, हमारे रिश्ते को हर काले साए से बचाइएगा। देखते रह जाएंगे बड़ी माँ, और सुमन दीदी आ जाएंगी इस घर में फिर से। मैडम जी बन काहे का मैडम जी, घाट घाट का पानी पी के कैसा सती सावित्री बनती है, ये किसी को दिखता नहीं है। बैठ जाओ बेटा। संध्या पालकी में किसको लाई है? संध्या लेकर आई है तो कौन मुसीबत ही लेकर आई होगी, हम सब बता रहे। क्या हुआ? आप सब लोग सोच में हो या शौक में हो? शौक में ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा रुबाब, ऐसी एंट्री तो सिर्फ पिक्चर में मिलती है, या तो माया की नगरी में। अब आप पूछोगे माया कौन, तो माया है हम। स्वागत नहीं करोगे हमारा? चलो चलो जल्दी आरती उतारो और कदमों में गिर जाओ हमारे। चलो, ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हें नमूना दिखाना ही पड़ेगा। आप ठीक है संध्या? ये अब कौन सा नया ड्रामा है? हाँ, क्या बदतमीजी है ये? और किन जाहिलों को लेकर आई हो अपने साथ? चुपचाप यहाँ से चली जाओ और इन भाड़े के टट्टुओं को भी लेकर जाओ। भाड़े के टट्टू किसका बोला? तुझे क्या लगा हम वो निशाना चूक गए? अरे वो तो हमारी एंट्री का स्टाइल था, और इस बार निशाना लगाएंगे ना तो चूकेंगे नहीं। देखिए आप इतनी सारी बातें कर रही हैं, लेकिन आप यही नहीं बता रही कि आप चाहती क्या हैं, कौन हैं आप? हमारा नाम है माया बाई, लाल बाजार की तवायफ कम और गैंगस्टर ज्यादा, और सबसे बड़ी बात हम हैं संध्या की एल्डर सिस्टर। हमारी जान संध्या में बसती है और संध्या की जान अंशुमन में बसती है, तो हमने सोचा क्यों ना अंशुमन और संध्या की शादी कर दे आज अभी इसी वक्त। तो दामाद जी, रिश्ता पक्का समझे? बोलो।
तुम्हें क्या लगा तुम मनमानी करती जाओगी और हम तुम्हारी सारी बातें मानते जाएंगे। बेस की आई ना कर दो। क्या मम्मी बोलिया तू मुझे सुनाई नहीं दिया जोर से बोल। ये क्या करी आप छोड़िए मां। मां के साथ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सॉरी दामाद जी आपने कहा आपकी मम्मी जी को छोड़ दिया। बस आप हमारी बात मानिए सेहरा पहनिए और जल्दी से हमारी बहन के साथ मंडप में बैठ जाइए फिर ये तमाशा वमाशा खत्म। नहीं बैठूंगा कभी नहीं बैठूंगा। तुम चाहे मेरी जान ले लो पर मैं संध्या से शादी नहीं करूंगा। जय बात संध्या दामाद जी हमें पसंद आए लेकिन एक बात दामाद जी बताइए आपको गिनती करनी आती है क्या? आप बता सकते हैं कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं और यहाँ इस वक्त कितने सदस्य मौजूद हैं? बताइए चलिए चलिए गिनिए। आरती दीदी छोटी सुमन कहाँ है? सुमन आरती दीदी सुमन कहाँ है? इंटेलिजेंट है लड़की बहुत तुरंत समझ गई कि हर फैमिली इज इन डेंजर। चल बेटा ला तो जरा फोन बताए इन्हें इनकी बिटिया रानी। सुमन हमारे बच्ची उसने क्या किया आप लोगों के साथ? वो छोटी बच्ची है उसको तो छोड़ दीजिए। संध्या प्लीज बोलो ना अपनी बहन को हमारी बच्ची को छोड़ दे प्लीज। देख लीजिए हमारी नादिर को कुछ हुआ ना तो हम आपका ना नक्शा बिगाड़ देंगे। चुप रह वरना टाटुआ दबा दूंगे। आवाज नहीं प्लीज अब आपके सामने आज हमारी बच्ची दे दीजिए। अरे देख लड़की की बा अगर तुझे तेरा बच्चा चाहिए तो बोल अपने भाई को चुपचाप मेरी बहन के साथ शादी कर ले। तुम अपनी छोटी सी भांजी के लिए इतना नहीं कर सकते? कर लीजिए शादी हमारी बहन के साथ तो रिश्ता मंजूर। हाँ जय बात की आई। ओ पंडित तुम्हें अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा। चलो शुरू करो मंत्र। सुनो ना लाल बाजार की माया भाई हमने बहुत सुना है आपके बारे में काफी खबरें पढ़ी हैं न्यूज़पेपर में आपकी गुंडागर्दी की लेकिन कहते हुए बड़ा बुरा लग रहा है नाम बड़े और दर्शन छोटे। ओए ऐसे क्यों देख रही हैं आप? अब मजा नहीं आया आपसे मिलके? तो नहीं आया खतरनाक औरत कहते हैं ना आपको इस शहर की लेकिन आपकी हरकतें ये गुंडागर्दी ये सब तो हमें समझ ही नहीं आती। ए लड़के आपने एक बच्ची को किडनैप करा दिया और फिर करा रही अपनी बहन की शादी ये सड़क छाप गुंडागर्दी। ए लड़की एक बात और निकाली ना तो तेरी और तेरे पूरे खानदान की जबान काट के तोरण की तरह लटका देंगे समझी? नहीं माया भाई हम बस ये कह रहे थे कि पिस्तौल आपकी गोली आपकी मर्जी भी आपकी आपकी बातों में तो वजन ही नहीं है। अगर वजन होता तो आप ऐसे खड़े होकर हमें धमकाती क्यों? जैसे आपने अपने हाथ में पिस्तौल रखा है हमें भी कुछ हथियार देती हमें भी मौका देती और अगर तब जीतती तब हम मानते कि माया बाई की जीत हुई है। ऐसे बच्ची को किडनैप करा के ये गुंडागर्दी करके कहाँ का इंसाफ है? ये सब तो गलत ही हुआ ना। बस ये कह रहे थे हम गलत थोड़ी ना कह रहे हम तो सही कह रहे हैं ना हम। कहना क्या चाहती है? हम बस ये बताना चाहते हैं कि प्यार की ताकत आपके इस पिस्तौल की ताकत से बढ़कर है। हमें बस वो साबित करने का मौका दीजिए आप और कुछ नहीं। और अगर तू हार गई तो? माया भाई उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भैंस की आईज चल दिया मौका होगा कंपटीशन देखते हैं कौन जीतता है ये फिल्मी प्यार या माया का वार। दीदी दीदी ये क्या कह रही हैं आप? आप सुमन को नहीं जानती है प्लीज उसकी बातों में मत आइए। दीदी तुम मुझे तो जानती है ना। बस देख
आई तो थी मैं यहाँ तेरी शादी कराने और तेरी डोली दामाद जी के साथ विदा कराने, लेकिन लगता है अब मुझे यहाँ पे डेरा डालना ही पड़ेगा कुछ दिनों के। मतलब? मतलब ये कि आज तक माया को किसी ने डायरेक्ट चैलेंज नहीं किया है, अब तो इज्जत का सवाल है बहन, अब तो रुकना ही पड़ेगा। तेरी शादी पूरी रस्म और रिवाज के साथ होगी। देख शादी में कितनी रस्में होती है, हल्दी कुंकू राय जीरा पत्ता सब करेंगे, और धाम धूम से नहीं धूम धड़ाके के साथ करेंगे। लेकिन हर रस्म में इस लड़की को एक चैलेंज मिलेगा, ऐसा चैलेंज मिलेगा जो उसे खून के आंसू रुलवाएगा और लोहे के चने चबवाएगा। अगर वो रस्म जीत गई तो उस दिन की रस्म उसके साथ, लेकिन अगर तू रस्म हार गई तो सारी रस्म मेरी संध्या की, मंजूर? तो भाइयों और बहनों तैयार हो जाओ ऐसी शादी के लिए जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखी। बैठे बैठे क्या करना है, करना है कुछ काम, शुरू करो शादी की तैयारी, लेके माया का नाम। खाना जी क्या मुसीबत घर पे आ गई,